बेड पे लेट लेट के क्लास हो रही है भाई, मेरे से उठा नहीं जा रहा था, इतना हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब कैसे ना कैसे करके हिम्मत करके उठाऊं। मैं बताता हूँ, मैं रात में कैसे सोया, मैं निक्कर में सोता हूँ। दादी माँ ने डांटी थी, दादी माँ ने कहा शॉल पहन, कुछ भी पहन। मैंने शॉल लुंगी की तरह बांध ली, मैंने चला लिया काम। हाँ जी बोलो। सब कर रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा था, पढ़ाई करके हटाऊ मैं। झूठ बोल रहे पापा, क्यों डांटे? क्योंकि मैं लेट के क्लास कर रहा था। तो खड़े होकर करो ना, लेट के बुद्धि में ना बैठता, लेटे तो लेटे। बैठ के बोलते हो, समझ में आता, खड़े होकर करो। उंगली काटने लगेगा, बस उंगली काटेगा, चैन नहीं तेरे को जिंदगी में। मुंह उठ जाओ, क्लासेस तो कर लो, आंखें खुली हुई है, उठी हुई है, उसके बाद ही नटंगी कर रही है, देख लो। तो मैंने तो ब्रश करा ही नहीं है अभी तक। तो आप तो उठे हुए हो ना, तो तंग मत कर, हाथ नहीं लगाया तुझे आज पूरा दिन। एमी से प्यार करता है और किसी से नहीं करता। हम तो कुछ नहीं है भैया, सब एमी को ही करते प्यार। ओलू दीदी, अरे आप दीदी ने वहां से आ रहा है। ये देखो 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 देखो, इन दोनों की बॉन्ड। एमी अब ओलू आपका बेस्ट फ्रेंड है। माफिया माफिया को भी ऐसे ही बुला लेती है, माफिया भी आ जाता है। इतना चालू है ये जरा सा। सब पंजे ले रहे हो, उसको लगता है मारोगे तो उसने वो ऐसे करता है। हाथ देखते ही वो करता है। एमी हाथ मत दिखाया कर, हाथ नहीं, उंगली भी नहीं, हाथ भी नहीं। एमी अपना मुंह भी मत दिखाया कर। देखो देखो इसको, तेरा मुंह देख के काटने को आता है वो। चलो तुम सब लोगों को घुमा लाती हूँ मैं, चले। कैसे घुमाओगी, साइकिल पे? अरे नहीं, ट्रेन में, बस में, जिसमें क्या होगा। आप कब जा रहे हो वैसे? 6 तारीख। बढ़िया, कहाँ जा रहे हो वैसे, भूल गया मैं। खाटू श्यामशाला सर, दोनों जगह प्रसाद ले आना याद से। वही जगह मिले, कहीं और ले जाओ ना, जयपुर ऊपर घुमा के ले। हाँ तो जयपुर, पूरा जयपुर घूमी हम भी। नहीं खाटू श्याम, खाटू कुछ नहीं रखा, खाटू श्याम जयपुर सब रखा है भैया। मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ भी ना। हाँ सही बात है, बैठ के मान रही है ना, उतना मान लो। हाँ। थोड़ा घूम फिर भी मैं। हाँ, घूम फिर गया। मॉर्निंग निकरा, अरे तू क्यों आ रहा, निकरा को गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ ना, तू निकरे है, वो निकरा है। गुड मॉर्निंग, शिनचान की तरह मैं इसको प्यार करूंगा। काटती एमी मेरे को, बहुत काटती। इसको गायब करेंगे, आबरा कड़ा आबरा। एमी गायब हो जाओ, मम्मा दिख रही है एमी? नहीं, एमी गई, एमी गई, एमी गई, एमी। अब वापस नहीं लाऊंगा मैं, अब तो जाने दो उसको। जाके लेकर जा रही थी फिर, बेबी मम्मा टाइम करना था आपने तो। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मतलब लेकर ही नहीं कभी जाया करूंगी। अब तो आएगी नहीं तो कहाँ लेके जाओगे? अब गायब हो गई, गायब ही रहने। वापस ले आता हूँ, नहीं छोड़ो, गायब भी रहने दो। गायब रहने दो, सोने नहीं दिया। बेचारी रो जाएगी। और भाई निकरा, हेलो, आपको देख सकते हैं दोस्त। दोस्त एमी ऐसा ना करा करो, हम आपको देख सकते हैं दोस्त। इसको ना परेशान करने में अलग ही मजा। नहीं मेरा। अच्छा, ले आ वापस ना उसको। यो वापस ले आते हैं। अब रगड़ा जबरा गिली गिली आ गई। मेरे बच्चे तो कहाँ था, मैं तो मिस कर रहा था कितना, और कल कितना मजा आया था। मैंने सुन लिया कि आप मुझे आज के बाद नहीं लेके जाओगे। बच्चे मैं कल कितना मजा आया हमें। और मैं देख ले वाले सामने मम्मा ने मजाक में भी असलियत बोल दी है, मजे में भी असलियत बोल दी। ऐसे ही करते हैं इसको डराने के लिए कभी पर ना, ऐसे हमको हमी गायब होगी। फिर तो मिल चुकी है मेरी चाय, अब चाय पी दो और क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। भाई साहब क्लासेस के चक्कर में तो भाई डांट मतलब हालत खराब हो जाती है, बट ठीक है, चाय पीते और मतलब फ्रेश होते अच्छे से। मैम इट्स नॉट अबाउट यू, आप इतना कुछ नहीं करते, आप इतना प्रेशर नहीं डालते जितना बाकी टीचर्स कर देते, कहते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, तो वो समवेयर अराउंड कहीं ना कहीं वो पोक मार देते हैं प्रेशर का, ना चाहते हुए भी हो जाता है। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमको एक चीज बता रही हूँ, जब हम लोगों ने फर्स्ट टर्म का पेपर देखा था, आस्क माधव, ही वाज इन स्कूल, कहाँ गया, ही केम टू स्कूल विद द question paper, he couldn't find me, so he went to Vaishali ma'am, they discussed the questions, then he saw me, then we discussed the questions, trust me, for a minute
आयन वैशाली मैम वर ब्लोन सीइंग द क्वेश्चन पेपर. आई टेल यू व्हाई. रीजन बीइंग दैट द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड मोस्टली क्वेश्चंस वर अजर्शन एंड रीजन बेस्ड. ठीक है, तुमको पता है ना ये 10 क्वेश्चन आया था. आई थिंक कितने क्वेश्चन आए थे अजर्शन रीजन के? काफी 10 ही आए थे. बहुत प्यारे थे क्वेश्चंस के मैम. 3-4 से ज्यादा थे. बता रखा था एग्जैक्टली. सैंपल पेपर में जो उन्होंने प्रेजेंट किया था ना सीबीएसई ने, वैसा उन्होंने अपना क्वेश्चन पेपर दिया नहीं. तो फॉर अ टीचर, अंडरस्टैंड फ्रॉम अ टीचर्स पर्सपेक्टिव, हम तुम्हारी भी पर्सपेक्टिव समझते हैं. इट्स नॉट लाइक वी डोंट अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड फ्रॉम अ टीचर्स पर्सपेक्टिव. फिर आता है अब सेकंड टर्म का पेपर, उसमें भाई तुमको बोल दिया अब कुछ मार्क नहीं करना, अब खाली पूरा लिखना है. इट्स नॉट लाइक यू हैव नॉट डन इट बिफोर. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव ऑलरेडी गॉट अ झटका इन द फर्स्ट टर्म सीइंग द काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर सीबीएसई हैड फ्रेम. नाउ आई एम रियली क्लूलेस व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर अगेन गोइंग टू throw at you people, because you have to prove yourself in this paper as well. Ma'am, isi cheez ka discussion kar rahi hai boards ke, matlab sab na unresponsive ho gaye, ekdam thoda athargic ho gaye, kyunki wo matlab honestly motivation wo down ho gayi, jaise wo term 1 mein jo thi na, ab wo josh term 2 par aani, wo itna pressure itna kuch ho chuka hai na teachers ki side se and all, to wo kisi ka man nahi lag raha, wo sab yahi point rakh rahe hain, to ye discussion chal raha hai, to wahi main batana chah raha tha yaar ki matlab aisa bhi hota hai. मतलब मैं अकेला नहीं हूँ जिसका मोटिवेशन डाउन है, पूरी क्लास का ऐसा हाल हो रखा है. मैम की बात वैसे सही थी यार, वो भी क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर भी तो मतलब अथॉरिटीज के साइड से प्रेशर है कि हाँ बच्चों को मतलब कराओ 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 कराओ. छोड़ो जो भी हुआ जैसे भी हुआ, इट वाज अ गुड मोटिवेशन टॉक जो मैम ने दी. बहुत कुछ समझ में आया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा. अभी इसके अभी आधे घंटे का ब्रेक है, फिर पेपर है, तो अभी ब्रेक थोड़ा रिलैक्स करते हैं. ये देखो सुबह तक तो बीमार थी टोपी बाज, स्कैम करती है बस और कुछ नहीं करती. मुंह बंद करके खाऊं. मैं ट्यूशन कैसे जाऊंगा? आप नहीं जाओगी, आपको जाना है. हाँ, लेकिन मेरी और साइन करा दो. देखते हैं. अभी यहाँ चल रहा है क्लास टेस्ट और सीनियर रखा है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वही नहीं खुल रहा. मतलब मैं और भी 10-12 बच्चों उनका नहीं खुल रहा, बाकी सबका खुल रहा है. 35 में से 12 बच्चों का खुल ही नहीं रहा और हमारा टाइम वेस्ट ऐसे हो गया. वैसे एक पीरियड का पेपर होता है 40 मिनट का, 40 मिनट में से 15 मिनट तो ऐसे चले गए, बाकी टाइम कैसे होगा पता नहीं. अभी तो वेट ही कर रहे, कोई क्वेश्चन पेपर सेंड भी नहीं कर रहा ग्रुप पे. एक तो ऐसे ऐसे है नहीं है, सेंड कर रहे तो कह रहे सर शेयर नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. क्या बोलूं मैं, डन विद पेपर भाई. मेरे को ना हल्का हल्का आज सिर दर्द सा लग रहा है, पता नहीं वो नॉर्मल ही है. मतलब कोई ना, मतलब अब तो बेटर हो गया, पहले थोड़ा सा पोक हो रहा था, जब से खाना खाया ना उसके बाद बेटर हो गया. खाली पेट हो जाता कभी कभार. सो रहा था. हाँ? मैं अंदर गई थी, देख लो पोहा खा गया. अब हो गया इसका पेट खराब. भाई तू तो पागल है कालू. अम्मा जी, अम्मा जी, सब राज्य खुश है. पापा ऑले पोहा खा गया. बहन की प्लेट से, बहन की प्लेट से भाई तो खा ही सकता है ना. पूरा खा गया? नहीं नहीं, है चाट लिया थोड़ा बहुत. तो बहन की प्लेट से भाई तो खा ही सकता है. भाई पेट ना खराब हो जाए इसका, पेट खराब हो जाएगा, मेरी हालत खराब हो जाएगी. दीदी खा लो वो, खा लो. थोड़ा थोड़ा करके दे सकती है ऐसा कुछ नहीं, उसमें से वो निकाल दे. नहीं दे सकते पापा, उसमें सिर्फ आलू प्याज है. हाँ तो खा ले. नहीं दे सकते, नहीं दे सकते. बड़ा हो गया खा सकता. कुछ बड़ा नहीं हुआ, 4 महीने का होने में भी टाइम है इसको. 30 तारीख को होगा 4 महीने का. पोहा चाटिया. काश इसके जैसा मैं भी बीमार हूँ, ऑनलाइन क्लास करने को मिले मस्त. नहीं यार बीमार नहीं हुआ ना, बट ठीक है बच्चे बीमार है तो क्या करे. वो देखो पोहा खाने के बाद वो पिकाचू के बगल में सो गया. सही है भाई, सही है, इसकी जिंदगी सही है एकदम. खाएगी जाएगी सो जाएगी बस. असली मतलब तो इसका ही है. राइट सिर में दर्द है, बट तब भी दवाई खा ही रहा हूँ मैं. ऐसे कुछ मतलब ज्यादा है नहीं, इतना तो होता रहता है वो डेली बेसिस पे. इग्नोर नहीं करना है, बट मैं थोड़ी देर से इग्नोर कर रहा था, बट मैंने कहा एक बार दवाई खा के खत्म ही करो ना यार, इतना क्या है. हमको पता है हमारी रिपोर्ट्स में हम नेगेटिव है, और वैसे भी हम नेगेटिव ही हैं, माइंड पॉजिटिव है. लेकिन बाय निकले, गॉड ब्लेस यू. कौन करेगा ये? देख लो पर बदतमीजी नहीं करी इसने, टोपी खींची आपने देखा ना. फिर वो माता रोती है ना, तू रोके दिखा. गलत डिसीजन, मेरे अंडरगारमेंट और टॉवल सब ऊपर ही सूख रहा है. छत लॉक हो रखी है, घाट भी लॉक कर दी, सब ऊपर रह गए तो मैं नहा नहीं पाया. अब दीदी शाम को लेंगे थोड़ी देर बाद, तब तक मैं वर्कआउट के बाद ही मैं नहा लूंगा. फिर मैंने सोचा आराम से वो जो कर रहे हैं सब निकल चुके हैं, अब जल्दी ट्यूशन. आज टाइमली रेडी हो गया क्योंकि नहाया नहीं ना, टाइमली निकलने का हो गया वैसे. प्लस आज ट्यूशन में भी मैथ्स का टेस्ट है, और जो सिर में दर्द हो रहा था एकदम सॉर्टेड. अब कुछ नहीं है ना, एक हल्का सा भी सिर में दर्द बिल्कुल नहीं, पिंच भी नहीं है. ये सफेद दीवार में कीचड़ करके चल दिया. अरे मनीष मल्होत्रा, मनीष मल्होत्रा. नाइस नाइस. भाई साहब का बर्थडे आज. आंटी बाला सफाई कर्मचारी हमारे बाला. सॉरी मोमबत्ती कर लेंगे सीधा, और इसको फेंको पहले तो. चलो चलो चलो. हैप्पी बर्थडे टू यू, यू आर बोर्न इन द ज़ू विद द मंकीज एंड डोंकीज, एवरीबॉडी लाइक यू. तो भाई तू खा ले या गिरा ले, सब लोग खा लो.
हड़पो हड़पो आंटी ने पता नहीं कौन से तीन सफाई स्मैक्स कर दी, हालत खराब हो गई भाई साहब, चक्कर आ गया, इतनी तगड़ी मिर्ची। डन में ट्यूशन अच्छे से हो गई है, अब घर निकलते हैं। हाँ अच्छे से हो गई ट्यूशन, प्लस वो बर्थडे पार्टी में हमने खूब एंजॉय किया, पहले पढ़े फिर खाए, अब जाके वर्कआउट करेंगे, जंक खा लिया उसके बाद अब वर्कआउट करूंगा। बताओ अच्छे से सब हो चुका है, एकदम ओके रिपोर्ट है, अभी क्या सीन है, मेरा थोड़ा ना टेम्परेचर हाई आ गया क्योंकि मिर्ची वाला इतना खाया, उस चक्कर में मैं गर्म हो गया, इग्नोर नहीं कर रहा हूँ जेनुअनली, ना मेरे को सिर दर्द हो रहा है ना कुछ, उसके बाद भी इनको लग रहा है पापा को हो रहा है हो रहा है हो रहा है। अनबॉक्सिंग विद विबो के फ्रेश कमाल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज आज भाई आ जाओ, आज हमारा कुछ सामान आया है अमेजोन का, ऑलिव अनबॉक्सिंग करेगा। ये मैंने अपने लिए मंगाया है स्पेशली, ये कुछ सामग्री आई है, ये नकूड़े के बाल उगाने के लिए, भाई तू क्या घुस रहा है, उगाने बोल रहा हटाने के लिए, और बाकी जो हमारी दो दाढ़ी आती है उसके लिए, भाई ये क्या है, चलो जो भी है जैसा भी है अच्छी बात है, ये साइड रखते हैं, अभी मेन चीज पे आता है जिससे जो मामला पा, अच्छा एक और है, अरे भैया ये क्या क्या है, बड़ी नई तरीके की चीज है, अमी इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इसको मत ले, रो रहा है ना, अरे एक और है, अच्छा ये क्लिपर है, ये भर भर के क्लिपर्स, भाई क्या कितने क्लिपर हैं, और क्लिपर, ये कुछ हो गया क्लीनिंग व्लीनिंग का होगा, ओए ए ए ओए लेके उसके मुंह से पन्नी, भाई यहाँ पन्नी पड़ी हुई थी, कूद के लेके गया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अनबॉक्सिंग, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना, अगर मन करे तो जय हिंद। इतनी देर से जो नया मामला आया है इसको सेटअप करने में टाइम लग गया भाई साहब, समझने में, एक तो इतना कुछ माल मसाला था वो समझने में, लगाने में, हटाने में इतना टाइम लग गया, मेरा बिल्कुल चक्कर आ रहे हैं, एंड आई गेस अब मेरे को नीचे जाना थोड़ा बंद करना होगा कुछ टाइम पहले, जब तक सिर दर्द ये तब ऐसा ही नहीं होता, जैसे भी जो भी है अब है तो अब नीचे नहीं जाएंगे और क्लासेस भी ऑनलाइन करेंगे, अभी तक रिपोर्ट्स नेगेटिव है बट प्रिकॉशनरी वे में अब नीचे जाना, अपने आपको रिस्ट्रिक्ट कर, अब घर में ही बंद रहेंगे, मेरा सिर दर्द के मारे फट रहा है, मैं बस व्लॉग एडिट करूंगा और मैं सो जाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं पता इतना, मतलब मेरे सिर में दर्द हो रहा है यार, मैं एक्चुअली सुबह से, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इग्नोर करे जा रहा हूँ सुबह से, बट अब नहीं हो रहा, जो पूरा फील हो रहा है ना भारी सा सिर, कफ एंड कोल्ड भी होगा नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं अभी, बस अपने आपको रखते तीन चार दिन घर में, अगर तीन चार दिन में देखता अगर सही होता तो ठीक है, नहीं होता तो फिर यार टेस्ट कराना ही पड़ेगा सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए, बट अभी फिलहाल के लिए घर में रहते और वो डोलो वोलो जो अपना है वो लेते हैं। अभी डोलो लिए, अभी मैं एडिटिंग पे बैठ रहा हूँ, एडिटिंग करते क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, लग नहीं रहा हूँ मैं बीमार हूँ, एनर्जी वही एनर्जी यार रहेगी, एनर्जी नहीं डेड होने देंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज रहेगी चालू, ठीक है, चाहे मैं कितना भी बीमार हूँ कुछ भी हूँ व्लॉगिंग कभी नहीं छोड़ूंगा, दवाई खा ली एकदम सही हो चुका है, एडिटिंग है चालू ही है, बाय द टाइम मैंने रील्स भी रिकॉर्ड कर ली क्योंकि अब दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा, हल्का फुल्का जो टच हो रहा है वो हो रहा है वेदर चेंज की वजह से जो है वो है, बट आई एम सॉरी एकदम तेज बोला ना, आजकल लोग हेयर अप करते, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेज़ व्लॉग, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना, अगर मन करे तो द वी बॉय के वंच साइनिंग ऑफ, एंड कल का व्लॉग आते देख लेना, बाय बाय, कल से मिलते हैं बहुत ही बड़े व्लॉग के साथ, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन, माइंड को पॉजिटिव रखना है, रिपोर्ट्स को नेगेटिव रखना, कुछ ना कुछ चाहिए इसको, ओए भाई क्या अपना अड्डा बनाए बैठे जनाब जी नीचे।